ओके स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। लास्ट सेशन में हम लोग कुछ सिमुलेशन कर रहे थे, तो उस समय पे जो है उस सिमुलेशन में कुछ वायरिंग प्रॉब्लम्स के कारण वो सिमुलेशन चालू नहीं हुआ था, तो मैंने वहीं तक करके दोबारा से रखा है। मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। एक बार मैं थोड़ा सा एक बार और से स्क्रीन एक बार से वो वायरिंग में एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको उसमें वायरिंग वाले सॉफ्टवेयर पे जा करके उसको क्लियर कराऊंगा। एक बार मैं फिर से वायरिंग आपको क्लियर करा देता हूँ। तो ये अपना जो अपन जो वायरिंग देख रहे थे लास्ट क्लास में, वो बेसिकली था किसका, इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करने का वायरिंग था। तो इंडक्शन मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स करने का सर्किटरी में बताया, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जगह पे ये कंट्रोल पैनल यूज होते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स मोशन के लिए। और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इंडक्शन मोटर को, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अगर तुम किसी भी एक फेज को फिक्स रख के किसी दो फेज को अगर अलट पलट दोगे तो मोटर रिवर्स और फॉरवर्ड में काम करने लगती है। तो इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इसके लिए जो है दो कॉन्टेक्टर यूज करने हैं, दो कॉन्टेक्टर यूज करने हैं, एक फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर और एक रिवर्स का कॉन्टेक्टर। ये सारी चीजें, इसकी पावर की वायरिंग वगैरह मैं सब बता चुका हूँ, मैं दोबारा से नहीं बताऊंगा। कंट्रोल की वायरिंग में एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये सबसे पहले एमसीबी आ गया, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन के लिए एमसीबी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद जो है अपना मेन ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए थर्मल ओवरलोड रिले, जिसमें हम करंट की सेटिंग करेंगे। और इसके बाद जो है ये ऑफ स्विच है, जिसको प्रेस, ये ऑटोमेटिक नॉर्मली क्लोज ऑफ स्विच है, ऑफ स्विच नॉर्मली क्लोज टाइप का ही रहता है हमेशा। ये पावर यहाँ तक आके रुक जाएगा, जैसे ही एमसीबी ऑन करोगे तो पावर यहाँ तक आके रुक जाएगा, उसके बाद पावर आगे नहीं बढ़ेगा। पावर जब फॉरवर्ड या रिवर्स वाले जिसमें भी तुम्हें चलाना है, तुम्हें उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तुमने मान लो ये फॉरवर्ड प्रेस चलाना है, तो फॉरवर्ड वाला बटन प्रेस किया, पावर यहाँ से होते हुए आगे चली गई, आगे चली गई, यहाँ इसको क्लोज कांटेक्ट मिला, किसका, K2 का। ये रिवर्स कांटेक्टर को ऑक्सिलरी मिला, क्लोज कांटेक्ट, पावर आगे चले जाएगी क्योंकि क्लोज कांटेक्ट है, और आगे जाकर के कौन सी फॉरवर्ड वाले कांटेक्टर को ऑन कर देगी। फॉरवर्ड वाला कांटेक्टर ऑन होगा तो मोटर फॉरवर्ड में घूमने लगेगी। और फॉरवर्ड का होल्डिंग कॉइल देखो यहाँ पे, फॉरवर्ड का ऑक्सिलरी तुमने यहाँ होल्ड कराने के लिए इसके साथ पैरेलल में लगा के रखा है। ये सब कॉन्सेप्ट मैं पहले ही बता चुका हूँ। होल्डिंग के लिए तुम्हें उसी कॉन्टेक्टर का जिसको होल्ड करना है, उसको ऑक्सिलरी उस स्विच के साथ तुम्हें पैरेलल में लगाना है। तो यहाँ पे K1 के साथ K1 का ऑक्सिलरी लगा है होल्डिंग के लिए। जैसे तुम छोड़ दोगे वापस से ये होल्ड हो जाएगा, क्योंकि पाथ यहाँ से चालू हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर यहाँ से चालू रहेगा। उसके बाद जब उसके बाद मान लो कोई गलती से ये मोटर फॉरवर्ड में घूम रही है, कोई गलती से मान लो ये वाला प्रेस करता है, तो उस समय पे क्या होगा, देखो ये जो है ये रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फेज टू फेज शॉर्ट सर्किट क्रिएट करता है। जैसे किसी ने ये प्रेस किया और साथ में ये प्रेस करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये ऑन हो जाने से ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। और देखो इसी का ये यहाँ पे ये जो दो कॉन्टेक्ट यूज हुए हैं, इसको हम कहते हैं इंटरलॉकिंग। ये जो सर्किटरी है इंटरलॉकिंग है, यहाँ पे K1 K2 का ऑक्सिलरी यहाँ पे है और K1 का ऑक्सिलरी यहाँ पे। जैसे ये चालू हो जाएगा तो ये K1 चालू होगा, K1 चालू होने के कारण ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज है तो ये ओपन हो जाएगा। ये ओपन होकर के ये पाथ ओपन कर देगा, जैसे कोई ये प्रेस करेगा तो ये पाथ ओपन रहेगा, तो रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो ही नहीं पाएगा। कोई गलती से भी अगर दोनों बटन को, एक मोटर चालू कंडीशन में कोई दूसरा प्रेस करने की भी कोशिश करेगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा। इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले ये ऑफ बटन को प्रेस करना पड़ेगा। ऑफ बटन प्रेस होगा तो ये रिले, ये वाला कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएंगे, तो दोनों क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद तुम जिस जिसको भी ऑन करना चाहो तुम उसको ऑन कर सकते हो, पर बिना इसको ऑफ करे ये डायरेक्टली रिवर्स नहीं होगा। मतलब फॉरवर्ड से अगर तुम्हें रिवर्स मोटर मोशन करना है तो पहले तुम्हें ऑफ करना पड़ेगा और फिर तुम्हें रिवर्स करना पड़ेगा। इसी तरीके से तुम अगर रिवर्स में चला रहे हो तो ये कॉन्टेक्ट, यहाँ ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट, रिवर्स का ऑक्सिलरी लगा हुआ है, ये ओपन हो जाएगा और ये पाथ जो है ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद कोई गलती से अगर ये बटन प्रेस भी कर देता है तभी भी ये नहीं चलेगा। तो ये जो है ये तुम्हें मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले लास्ट क्लास में भी। मैं आपको सॉफ्टवेयर पे मैं आपको शेयर कर देता हूँ सॉफ्टवेयर की स्क्रीन। ये मैंने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर करी है। ये मैंने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन शेयर करी है। देखो वही सेम सर्किटरी में दोबारा से बता देता हूँ। ये तुम्हारा फ्यूज हो गया, हमारा एमसीबी और या फ्यूज जो भी हमें लगाना है। थ्री फेज की सप्लाई हो गई, थ्री फेज की सप्लाई आई, और ये दो कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट हो गए। हमारे मेन कॉन्टेक्ट ये हो गया, एक फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऊपर हो गया, रिवर्स का कॉन्टेक्टर नीचे हो गया। ये फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का नाम है 1MC1, रिवर्स कॉन्टेक्टर का नाम है 2MCR। ये 1MCR और ये 2MCR। और ये मोटर, जब ऊपर वाला कॉन्टेक्टर चालू होगा तो मोटर एक डायरेक्शन में घूमेगी, और जब नीचे वाला कॉन्टेक्ट चालू होगा वो मोटर रिवर्स डायरेक्शन में घूमेगी। कैसे किया है, मैंने यहाँ पे एक फेस को पलट दिया। तुम ये वायरिंग अगर ध्यान से देखना तो यहाँ पे ऊपर वाला फेस डायरेक्टली सीधा सीधा आया है, लेकिन ये नीचे वाला फेस देखो मैंने पलट दिया। यहाँ पे इसको मैंने बीच वाले को मैंने नीचे कर दिया है
और नीचे वाले को मैंने बीच में कर दिया है, ऊपर वाले में देखो सीधा सीधा गया है, ऊपर वाला ऊपर में गया है, बीच वाला बीच में गया और नीचे वाला नीचे गया, लेकिन नीचे वाले कॉन्टेक्टर से। और इसमें ध्यान ये रखना है कि दोनों कॉन्टेक्टर बाई डिफॉल्ट चालू नहीं होने चाहिए, अगर दोनों कॉन्टेक्टर बाई डिफॉल्ट चालू होंगे तो दो फेस के बीच में शॉर्ट सर्किट क्रिएट होगा। बाकी ये डायग्राम तक मैंने यहाँ तक करके दिखाई दिया था, ये ट्रांसफॉर्मर लगा है और यहाँ पे दो स्विच लगे हुए हैं, एक फॉरवर्ड के लिए, एक फॉरवर्ड, ये कॉन्टेक्टर की मेन कॉइल हो गया, ये 1 MCR की मेन कॉइल हो गया, ये फादर हो गया और ये चाइल्ड हो गया, इसी तरीके से ये फादर हो गया, ये चाइल्ड हो गया। अब ये मैं इसको प्रेस करूंगा तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होगा, इसको प्रेस करूंगा तो ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन होगा, और अगर मैं दोनों को प्रेस कर दूंगा तो दोनों ऑन हो जाएंगे। यहाँ पे आप जो है अगर देखोगे तो ये मैं इसको सिमुलेशन करके दिखाता हूँ, लास्ट क्लास में मैंने यहाँ तक सिमुलेट कर दिया था। ये देखो ये पूरा का पूरा सर्किट है, ये हरा हरा फेज है, फेज यहाँ तक आ गया है, यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। इसी तरीके से ये देखो यहाँ पे भी फेज आ चुका है और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया। अब देखो इसको मैं प्रेस करता हूँ, देखो जैसे ही मैंने प्रेस किया कॉन्टेक्टर एक डायरेक्शन में चल रहा है, ये कॉन्टेक्टर एक डायरेक्शन में चला है, यहाँ पे कॉन्टेक्टर एक डायरेक्शन में चला, मैंने इसको छोड़ दिया, कॉन्टेक्टर ऑफ हो जाएगा, ये कॉन्टेक्टर स्टॉप हो रहा है, ये कॉन्टेक्टर स्टॉप हुआ। अब देखो मैं नीचे वाला स्विच ऑन करूंगा तो देखो नीचे वाला कॉन्टेक्टर ऑन हुआ और मोटर की डायरेक्शन आप देखो क्लियरली रिवर्स होती, मोटर की डायरेक्शन क्लियरली रिवर्स होते हुए देखो मोटर जैसे, और लेकिन यहाँ पे होल्डिंग नहीं है अभी स्टूडेंट्स, यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, जिसके कारण अगर मैं बटन को छोड़ देता हूँ तो ये मोटर तुरंत ऑफ हो जा रही है। ये मैंने छोड़ दिया, मोटर जो है तुरंत ऑफ हो जाएगी, यहाँ पे होल्डिंग नहीं होने के कारण ये मोटर जो है तुरंत ऑफ हो जा रही है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ अब देखो ये यहाँ पे होल्डिंग नहीं है, होल्डिंग नहीं है, इसके कारण जैसे ही मैं छोड़ देता हूँ ये मोटर ऑफ हो जाती है, होल्डिंग नहीं है, मोटर को जैसे ही मैं छोड़ता हूँ, ये स्विच को जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ऑफ हो जाता है। इसी तरीके से इसमें भी होल्डिंग नहीं है, मोटर का डायरेक्शन पलटता है, मोटर का डायरेक्शन पलट गया, होल्डिंग नहीं है, जैसे ही मैं छोड़ता हूँ ये ऑफ हो जाता है। अब मैं इसमें होल्डिंग कराऊंगा, होल्डिंग का सिंपल प्रिंसिपल आपको बता चुका हूँ कि इसी का ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यहाँ पे लगाना है, इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट यहाँ पे लगाना है। ये कॉन्टेक्टर की कॉइल लूंगा, कॉन्टेक्टर का पोल लूंगा मैं, ये यहाँ से मैं पोल्स लूंगा, ये सिंगल पोल का ये ऑक्सिलरी लूंगा, इसी तरीके से एक और ऑक्सिलरी लूंगा मैं, यहाँ पे दो ऑक्सिलरी लूंगा। अब मैंने बताया होल्डिंग करने का तरीका क्या है, इसके साथ इसका ऑक्सिलरी पैरेलल में लगाना है जिसको होल्ड कराना है, इसके साथ इसका, मतलब इसका नाम क्या है, 1 MCR है तो ये भी 1 MCR, ये 1 MCR इसको कर देना है, 1 MCR इसको कर देना है, इसी तरीके से इसको होल्ड कराना है तो मुझे इसी का नाम इसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तो ये 2 MCR है, 2 MCR यहाँ दे दूंगा और इसके साथ इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। ये मैं पैरेलल कनेक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे, इसके साथ ये पैरेलल कनेक्शन बना रहा हूँ, ये पैरेलल कनेक्शन मैंने यहाँ इसके साथ बना दिया, ये मैंने पैरेलल कनेक्शन बना दिया। अब देखो ये मैं इसको रन कर रहा हूँ, अब देखो ये मैंने ऑन करा यहाँ पे, अब देखो ऊपर वाला कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, मैंने ये छोड़ भी दिया है तो नीचे वाला ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट चालू हो गया, इसके कारण देखो ये कॉइल चालू है। अब देखो मोटर एक डायरेक्शन में घूम रही है, अब मैं ये ऑफ नहीं कर सकता इसको, इसको ऑफ नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ स्टॉप की भी स्विच नहीं लगा है और यहाँ पे होल्डिंग तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, और अगर गलती से मैं यहाँ पे दूसरा स्विच भी प्रेस करता हूँ तो देखो ये शॉर्ट डेवलप हो जाएगा। ये देखो ये शॉर्ट सर्किट हो गया, रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है ये शॉर्ट सर्किट हो रहा है उस फेज में, ये देखो रेड कलर से इंडिकेट कर रहा है, वो शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, ये सर्किट गलत है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक स्टॉप का स्विच लगाऊंगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्टॉप का स्विच लगाऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और स्विच लेता हूँ, कंट्रोल में जा करके मैं एक स्विच लेता हूँ, स्विच कहाँ है, ये स्विच हो गया, मैं क्लोज टाइप का स्विच लूंगा स्टॉप के लिए, हमेशा ध्यान है आप लोगों को स्टॉप के लिए किस टाइप का स्विच होता है, क्लोज टाइप का, ये मैं ले लिया यहाँ से स्विच स्टॉप के लिए, स्विच क्लोज टाइप का, और मैं यहाँ से इसकी वायरिंग कर दे रहा हूँ। अब देखो मैं यहाँ से रन करता हूँ फिर से, अब आप देखो ये मैंने होल्ड करा दिया, ये होल्ड है, ये होल्ड हो गया, अब मुझे ऑफ करना है तो मेरे को पहले ये स्टॉप स्विच प्रेस करना पड़ेगा, ये मैंने स्टॉप स्विच प्रेस कर दिया, ये स्टॉप स्विच प्रेस कर दिया, ये मोटर ऑफ हो रही है, RPM देखो कम हो रहा है, मोटर जो है ऑफ हो जाएगा, ऊपर वाला कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया, ऊपर वाला कॉन्टेक्टर ऑफ हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देता हूँ तो जल्दी स्टॉप हो जाएगा। अब देखो मैं नीचे वाला प्रेस करता हूँ, मोटर दूसरे डायरेक्शन में घूमने लगी, मोटर दूसरे डायरेक्शन में घूमने लगी, बंद करना है तो मैं स्टॉप का स्विच प्रेस करूंगा, बंद हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस सर्किट में एक प्रॉब्लम है, ये सर्किट जो है बंद हो गया, अभी भी ये प्रॉब्लम है। अगर मान लो ये फॉरवर्ड घूम रहा है, मोटर फॉरवर्ड घूम रही है, गलती से किसी ने दूसरा बटन भी प्रेस, अभी इसमें इंटरलॉकिंग नहीं है, इंटरलॉकिंग नहीं है, अभी देखो किसी ने गलती से ये स्विच भी प्रेस कर दिया तो देखो दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो गए और ये देखो यहाँ पे शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो गया, इन दोनों फेज में, इन दोनों फेज में शॉर्ट सर्किट क्रिएट हो गया, तो ये अपने को नहीं चाहिए, ये गलती से भी ऐसा नहीं होना चाहिए, फेस टू फेस शॉर्ट सर्किट बहुत डेंजरस होता है। अब यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ, अब मैंने बताया इसको रोकने के लिए क्या तरीका है, मेरे को एक और कॉन्टेक्ट इसके ऑक्सिलरी लेना पड़ेगा, यहाँ पे मैं जाऊंगा,
यहाँ पे मैं यहाँ सॉरी क्लोज टाइप का लेना है मुझे ऑक्सिलरी, किस टाइप का लेना है, क्लोज टाइप का लेना है। यहाँ पे दो मैं क्लोज कॉन्टेक्ट ले लूंगा और मैंने ये बता दिया इंटरलॉकिंग कैसे होगा, इसके साथ इसका क्लोज और इसके साथ इसका क्लोज, मतलब ये यहाँ पे 1 CR है तो यहाँ पे ये 2 CR है तो इसको मुझे 2 CR नाम देना होगा। ये मैं यहाँ पे 2 CR नाम दे रहा हूँ, इसको कनेक्ट कर दिया। और इसके साथ इसका मतलब ये यहाँ पे जो है ये 1 MCR है, इसको मुझे 1 MCR करना है। सॉरी वन इसका इसका नाम है इसका इसका है क्या है 2 MCR, तो यहाँ 2 MCR देना था, सॉरी 2 MCR। अब देखो ये 2 MCR, ये 2 MCR कॉइल और ये 2 MCR का ऑक्सिलरी, ये 1 MCR की कॉइल और ये 1 MCR का ऑक्सिलरी। अब मुझे इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। कनेक्शन कर दूंगा मैं। अब बस यहाँ पे देखो ये दोनों होल्डिंग के लिए हो गया और ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए, ये दोनों प्रोटेक्शन के लिए। इसको रन करते हैं। अब देखो ये पावर सब फ्लो हो रहा है क्योंकि ये क्लोज कॉन्टेक्ट है, ये क्लोज कॉन्टेक्ट है। अब मैं देखो यहाँ रन करता हूँ, ये ऑन हो गया मोटर मेरे एक डायरेक्शन में, मोटर चल रही है एक डायरेक्शन में, मोटर चल रही है एक डायरेक्शन में, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गलती से मान लो कोई बंदा आया, उसको पता नहीं मोटर चल रही है और उसने दूसरा स्विच प्रेस किया, देखो ये मोटर नहीं होगा क्योंकि ये देखो यहाँ पे जैसे ही ये ऑन हुआ ये ओपन हो गया। ये यहाँ पे आप नोटिस करो जैसे ही ये ऑन हुआ तो ये ऑन होने के कारण ये ऑन हुआ, ये ऑन हुआ और ये देखो ये क्लोज से ओपन हो गया। अब तुम यहाँ पे देखो पाथ कंप्लीट होगा ही नहीं, तुम इसको प्रेस कर लो क्योंकि ये पाथ यहाँ से हो ही नहीं सकता कंप्लीट। ये देखो अगर कोई गलती से प्रेस भी करता है तो भी कुछ नहीं होना, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होना है। अब आपको मान लो दूसरे डायरेक्शन में घुमाना है मोटर को, तो सबसे पहले आप ऑफ करोगे, ये मोटर ऑफ हुई, फिर आप रिवर्स वाली स्विच प्रेस करोगे, मोटर रिवर्स डायरेक्शन में चालू हो जाएगा। मोटर अब रिवर्स डायरेक्शन में है, कोई गलती से आएगा पहली वाली स्विच को प्रेस करेगा, देखो नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा क्योंकि इसका ऑक्सिलरी जो है ओपन होकर के ये पाथ को खोल दिया है। अब कोई गलती से भी मोटर को प्रेस करेगा तो ये ऑन नहीं हो सकता, अनलेस एंड अनटिल ये जो है रिवर्स डायरेक्शन में कब जाएगा, जब इसको आप ऑफ करोगे यहाँ से, ये दोनों क्लोज हो गए, अब आप यहाँ से जो है डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो। तो स्टूडेंट ये है, इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है होल्डिंग का। होल्डिंग का कॉन्सेप्ट आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, जिसको भी कॉइल को होल्ड करना है, जिस कॉन्टेक्टर को भी होल्ड करना है, उसको ऑक्सिलरी उस स्विच के साथ पैरेलल में लगाना है जिसके साथ होल्डिंग करनी है। और दूसरा कॉन्सेप्ट आपको मैंने बताया इंटरलॉकिंग का। इंटरलॉकिंग जो है कब प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है, और इंटरलॉकिंग कैसे करके करना है, इसका जो ऑक्सिलरी है इस वाले पाथ को ऑक्सिलरी यहाँ पे लगाना है क्लोज वाला, और इस पाथ को ऑक्सिलरी इसको यहाँ पे लगाना है क्लोज वाला। अब देखो रिले और कॉन्टेक्टर में ये वायरिंग कैसे करके होती है, एक्चुअल कॉन्टेक्टर के साथ ये वायरिंग कैसे करके होती है, मैं आपको एक इमेज शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा सा उससे आइडिया लगेगा। एक सेकंड मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा इमेज शेयर करने में, मैं इमेज शेयर कर रहा हूँ। एक सेकंड बस मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मेरे को इमेज मैंने सेव करके रखी है, मुझे मिल नहीं रही, एक मिनट में शेयर कर रहा हूँ। हाँ एक मिनट बस हो गया शेयर। अब देखो ये डायग्राम ये मैंने शेयर कर दिया है डायग्राम। अब देखो ये एक्चुअल कॉन्टेक्टर के साथ ये वायरिंग कैसे करके होनी है। ये देखो यहाँ पे ये MCB से 3 आ गया फेज RB और Y, इसमें से न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल की जरूरत नहीं है, न्यूट्रल को आप हटा भी सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे कैसे करके किया है इन्होंने, ये जो 3 स्विच है मैंने बताया तीनों स्विच सीरीज में, ये जो है ये ऑक्सिलरी है, ये जो है ये ऑक्सिलरी A1 A2, ये कॉइल है A1 A2, A1 A2 कॉइल कहलाती है और ये ऑक्सिलरी है। मैंने बताया आपको एक ओपन कॉन्टेक्ट यूज करना और एक क्लोज कॉन्टेक्ट, इसमें देखो ये एक ओपन कॉन्टेक्ट है और इसके साइड वाला जो है ये क्लोज कॉन्टेक्ट, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है और इसके पीछे जो है ये मेन कॉन्टेक्ट है।
इसके पीछे जो है ये मेन कॉन्टेक्ट है और सामने ऑक्सिलरी है और ये कॉयल है, ये कॉयल है A1 A2। इसमें आप जैसी सप्लाई दोगे वैसे ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, मेन कॉन्टेक्ट भी चालू हो जाएंगे और ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। इस ऑक्सिलरी यहाँ पे देखो ऑक्सिलरी में दो ऑक्सिलरी है, ये दो ऑक्सिलरी है, एक ओपन ऑक्सिलरी है, क्लोज है, ये कोने वाला ओपन है और ये साइड वाला क्लोज है। तो ये देखो कुछ कुछ वैसी वायरिंग करी है। और ये जो मैंने बताया ये थर्मल ओवरलोड रिले है, इसका वीडियो में अभी आपको दिखाऊंगा, थर्मल ओवरलोड रिले है इसका मैंने बताया। ऊपर जो है आपको एनसी लेना है, ये इसका ऑक्सिलरी है, ये इसका एनसी आपको लेना है सीरीज में, इसका एनसी आपको लेना है ताकि प्रोटेक्शन मिल सके। जैसे ही ओवरलोड होगा तो ये एनसी ओपन होकर के ये सारा का सारा पाथ काट देगा, ओपन कर देगा, तो यहाँ कोई कनेक्शन फ्लो नहीं होगा। ये फॉरवर्ड वाली स्विच, इसमें मैंने बताया किस टाइप का कांटेक्ट लेना है, ये नीचे जो है ओपन कांटेक्ट लेना है। ये रिवर्स वाली स्विच, इसमें भी ओपन कांटेक्ट लेना है। और ये लाल स्विच मतलब स्टॉप वाली, इसमें जो नीचे कांटेक्ट लगा है ये किस टाइप का कांटेक्ट है, क्लोज टाइप का कांटेक्ट है। ये वायरिंग बनी है, इस वायरिंग को आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप इसको आराम से देखो। जैसे मैंने वायरिंग समझाया बिल्कुल वैसे की वैसी वायरिंग करी है इन्होंने वायर्स के थ्रू सीरीज और पैरेलल में। मतलब ये स्विच इसके साथ सीरीज में है, इसके साथ A1 A2 के साथ सीरीज में है और साथ में इसका एनसी क्लोज में लगा हुआ है। इसी तरीके से ये इसके साथ सीरीज में है प्लस इसका जो है एनसी इसके साथ क्लोज में लगा हुआ है। तो ये वायरिंग आप थोड़ा सा देखना आराम से, ये आप कर लोगे। थोड़ा सा आप पेशेंस रख कर इस वायरिंग को देखो, मैं ऐसे तो नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इसको समझा सकता हूँ। बाकी यहाँ पे आपको बस मेन ध्यान ये रखना है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इसके ऊपर रहेंगे, ये मेन कॉन्टेक्ट पीछे है, ये मेन कॉन्टेक्ट पीछे है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट इसके ऊपर है। ये जो है ये ऑक्सिलरी है और ये कॉयल है, ये कॉन्टेक्टर हो गया, ये कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट हो गए RB और Y, ये तीन मेन कॉन्टेक्ट हो गए। ये कॉयल हो गया स्टूडेंट, A1 और A2 कॉयल हो गई और ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। इसमें एक ओपन है और एक क्लोज है, एक ओपन है और एक क्लोज है। तो दो कॉन्टेक्ट दिए गए ओपन और, ये थर्मल ओवरलोड रिले है थर्मल। इसमें आपने क्या बताया, किसको ऊपर रखना किसको नीचे, एक बार फिर से बताइएगा। आपने किसमें ऊपर कहा ना कॉयल को नीचे वाले ऑक्सिलरी को ऊपर रखना है, मेन को नीचे रखना है। ऑक्सिलरी को ऊपर और मेन को नीचे, नहीं ये कॉन्टेक्टर का मैं बता रहा हूँ, ये जो कॉन्टेक्टर दिया है ये श्नाइडर कंपनी का कॉन्टेक्टर है, ये जो है ये श्नाइडर कंपनी का कॉन्टेक्टर, ये मिलता है शॉप में, ये मैं बता रहा हूँ। इस कॉन्टेक्ट में आप ये श्नाइडर कंपनी का कॉन्टेक्टर अगर होगा तो ये मेन कॉयल पीछे है इसकी, ये RBY पीछे जो बड़े बड़े नट दिख रहे हैं तीन, ये RBY इनपुट यहाँ से होगा, आउटपुट नीचे से होगा, ये मेन कॉन्टेक्ट होगा इसके। मतलब 7 HP का अगर कॉन्टेक्टर है तो 7 HP का लोड यहाँ डलेगा। और ये जो हो गया ये इसके ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ये कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग में यूज होगा। ये जो ऊपर दिए गए छोटे छोटे जो दिख रहे हैं ये ऊपर, ये जो ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, तो ये कॉयल हो गई, ये इसकी मेन कॉयल हो गई A1 और A2। इसमें जैसे ही आप सप्लाई दोगे ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा। अगर 24 वोल्ट का होगा तो 24 वोल्ट की सप्लाई दोगे, और अगर 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर होगा तो 220 वोल्ट की सप्लाई दोगे। किसको? कॉयल को, A1 और A2 को। और ये इसके ऑक्सिलरी हो गई, क्योंकि मैंने बताया ये डायग्राम में आपको ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ेगी। ये डायग्राम में आपको, एक मिनट, ये डायग्राम में आपको ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ेगी। ये इसमें ऑक्सिलरी की जरूरत पड़ेगी। देखो ये ऑक्सिलरी है ना, ये इसका ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ये दो ऑक्सिलरी इस्तेमाल होंगे। एक इसका ऑक्सिलरी इस्तेमाल होगा, ये A1 A2 हो गया, ये मेन कॉइल का A1 A2, ये दूसरे वाले कॉन्टेक्टर का A1 A2, ये इसका ऑक्सिलरी, ये इसका ऑक्सिलरी, और ये वाला इसका ऑक्सिलरी है। और ये जो है ऑक्सिलरी है ओपन टाइप का ऑक्सिलरी है, ये इसका ऑक्सिलरी है और ये इसका ऑक्सिलरी। तो ये आप थोड़ा सा देखो, जब तक आप वायरिंग करोगे नहीं तब तक ये पूरा एग्जैक्टली उतना क्लियर नहीं होगा, अनलेस अनटिल आपके पास खुद कॉन्टेक्टर हो और आप खुद वायरिंग करो। पर ये मैंने मैक्सिमम इसमें क्लियरिटी करने की कोशिश करी है कि ये कॉयल है, कॉयल का हमेशा नाम स्टूडेंट A1 और A2 ही होगा, ये आप ध्यान रखना। कॉयल जो है हमेशा A1 और A2 की होगी। कॉयल दो तरह की होगी, 24 वोल्ट की कॉयल होगी या 220 वोल्ट का होगा, डिपेंड करता है आप कैसा कॉन्टेक्टर लाए। अगर आप 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर लाए तो 24 वोल्ट की कॉयल होगी, और अगर 220 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है तो 220 वोल्ट की कॉयल होगी। और ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है, ये मेन कॉन्टेक्ट है, ये मेन कॉन्टेक्ट है जिसमें पूरा लोड जाएगा जो मोटर के साथ कनेक्ट होगा। और ये कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग है जिसके लिए आपको ऑक्सिलरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें दो ऑक्सिलरी यूज हुई है, एक ओपन की ऑक्सिलरी और एक क्लोज की। इसी तरीके से दूसरे कॉन्टेक्टर का एक ओपन का ऑक्सिलरी और ये एक क्लोज का ऑक्सिलरी। ये डायग्राम से आपको क्लियरली यहां से दिखेगा। ये देखो यहाँ पे मेन कॉन्टेक्ट ये पीछे हो गए, ये मेन कॉन्टेक्ट पीछे हो गए जहां मोटर लगेगी। ये मेन की वायरिंग नहीं है, ये सिर्फ कंट्रोल की वायरिंग है, ये कंट्रोल सिस्टम की वायरिंग है। जूम आउट कीजिएगा इसको, जूम आउट करके फुल स्क्रीन में समझाइएगा। ठीक है, ओके ओके।
हाँ ये जो कॉयल है ये मैंने बताया मेन कॉन्टेक्टर की कॉयल A1A2, ये A1A2 इस कॉन्टेक्टर की, और ये जो दूसरा वाला रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर है ये इसका A1A2, ये इसका A1A2, और इसमें तुम्हें दो हर कॉन्टेक्टर में तुम्हें दो कॉन्टेक्ट चाहिए, एक ओपन कॉन्टेक्ट चाहिए और एक क्लोज कॉन्टेक्ट चाहिए, वो उसकी डायग्रामिंग। तो ये जो है ये ऊपर इसके ऑक्सिलरी है, ये एक ओपन ऑक्सिलरी है, ये क्लोज ऑक्सिलरी। इसी तरीके से रिवर्स फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर में ये ओपन की ऑक्सिलरी है और ये क्लोज की ऑक्सिलरी है। ये वायरिंग सीरीज और पैरेलल में जैसे मैंने बताया उसी टाइप से होगी, ये स्विच के साथ ये सीरीज में, फिर यहाँ पे आएगा, ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, और फिर यहाँ से एक एक वायर निकलेगा, यहाँ से एक वायर निकलेगा, इसमें एक वायर यहाँ से निकलेगा, फिर यहाँ से देखो ये दोनों आपस में शॉर्ट होंगे, फिर ये जो है कॉइल और ये फिर ओपन से होते हुए फिर ये वापस से वायरिंग इसके थ्रू होगी। तो ये जो है वायरिंग आप सामने रख करके इस वायरिंग को समझो तो आपको क्लियर हो जाएगा, ये जो डायग्राम है इसको सामने रख करके आप इसको समझोगे तो ये क्लियर होगा, बाकी खुद से जब तक करोगे नहीं तो एग्जैक्टली उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। पर मेन मेन चीजें मैंने बता दिया, ये मेन कॉन्टेक्टर का ये मेन कॉयल हो गई पीछे वाली, ये तीन मेन कॉइल हो गई जहां लोड लगेगा, और ये कॉन्टेक्टर का सप्लाई हो गई A1 और A2, A1 और A2 ये हो गया, और ये कॉन्टेक्टर की ऑक्सिलरी ऊपर हो गई दो, ये ऑक्सिलरी ओपन हो गया और ये ऑक्सिलरी क्लोज हो गया। अगर इसके अलावा तुम्हें और ऑक्सिलरी की जरूरत है तो मैंने बताया था अलग से आपको खरीदना पड़ता ऑक्सिलरी, ये ऑक्सिलरी इसके साथ अटैच हो जाएगा, वो अगर आपको जरूरत है तभी आप खरीदो, नहीं तो ऑक्सिलरी अगर ये ऑलरेडी कंपनी जो है दो ऑक्सिलरी आपको दे ही रही है, ये कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपको दो ऑक्सिलरी मिल ही रही है, एक ओपन ऑक्सिलरी मिल रही है, एक क्लोज ऑक्सिलरी मिल रही है, अगर आपको जरूरत नहीं है तो खरीदने की जरूरत नहीं है। और आपको अगर कंट्रोल में और भी ज्यादा ऑक्सिलरी की जरूरत है तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देकर खरीदना पड़ेगा, वो इसके साथ अटैच होगा। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था ऑक्सिलरी कॉइल कैसे करके अटैच करना है। सर हाँ ये कनेक्शन एक बार धीरे धीरे फिर से बताइएगा, बच्चों को थोड़ा ये डाउट करने हो रहा है ना। और अमित कुमार आप अपना माइक म्यूट कर लें, अमित कुमार ये कनेक्शन देखो, ये कनेक्शन देखने के लिए आप सबसे पहले ये वाला कनेक्शन आप जो है आपके सामने रखो, ये वाला कनेक्शन, ये जो कनेक्शन है आपको सबसे पहले आपने सामने रखो, ये जो है यहाँ पे आप लिखो ये क्या क्या है, ये फॉरवर्ड का A1 A2 यहाँ पे लिखो, ये डायग्राम आप अपने हाथ में रखो, और आप क्या करो ये फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है यहाँ पे A1 और ये A2, ये फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर का A1 A2 किसके साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये जो रिवर्स वाले ऑक्सिलरी के साथ यहाँ पे सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये जो है ये इसका ऑक्सिलरी है। तो आप ये डायग्राम अपने साथ में रखो, फिर यहाँ पे नंबरिंग करो, यहाँ A1 A2 लिखो, ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी है, ये ऑक्सिलरी और ऑक्सिलरी, ये A1 का ऑक्सिलरी है, ये K2 का ऑक्सिलरी है। तो ये जो है आप ये पूरा का पूरा डायग्राम अपने साथ में पेंसिल से बनाओ पहले कॉपी में, और इसको अपने साथ में रख करके ये जो मैं डायग्राम बता रहा हूँ इसको आप अपने सामने रख करके इसको देखो, आपको खुद से क्लियर हो जाएगा। जब तक दोनों डायग्राम साथ में नहीं होंगे तब तक आपको ये डायग्राम आप नहीं बना सकते हो, आप वो डायग्राम लेकर के इसके डायग्राम के साथ मैच करो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो है सबसे पहले ये थर्मल ओवरलोड रिले का एनसी है, ये एनसी हो गया, ये एनसी यहाँ से सीरीज में आई, ये स्विच के साथ कनेक्ट हो गया। आप देखो ये डायग्राम नहीं है इसलिए मैं समझा नहीं सकता, फिर मैं चेंज करूंगा डायग्राम, यहाँ पे डायग्राम कहाँ गया, ये देखो ये वायर आया सबसे पहले यहाँ से फेज आया, ये देखो सबसे पहले यहाँ सीरीज में गया इसके साथ एनसी है ये इसका थर्मल ओवरलोड रिले का, फिर इसके साथ ये स्विच के अंदर आया, ये सीरीज में गया, तो यहाँ से वायर लेना है इधर लगाना है, फिर एक वायर निकालना है, फिर स्विच में जाना है, फिर स्विच से एक वायर निकलेगा, ये सीधा इधर आ जाएगा। ये देखो ये इसी तरीके से हुआ है यहाँ पे, ये देखो यहाँ से आया, ये वायर सीरीज में गया, यहाँ पे गया एनसी में, यहाँ से एक वायर निकला, यहाँ से सीरीज में चला गया स्विच के साथ, ये सीरीज में जाने के बाद ये दोनों स्विच को सप्लाई मिल गई है, ये देखो ये दोनों स्विच को सप्लाई मिल गई। अब देखो फिर से मैं डायग्राम चेंज करना पड़ेगा इसलिए ये मैं इसमें बताने में दिक्कत जा रही है। ये देखो फिर ये दोनों स्विच को सप्लाई मिल गई है यहाँ पे, ये देखो ये एक स्विच और एक स्विच, ये देखो ये दोनों स्विच को सप्लाई यहाँ मिल गई है। अब देखो ये दोनों स्विच के सप्लाई, फिर इसके बाद ये कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से एक वायर निकालना है, ये स्विच का दूसरा सिरा है, ये एक सिरा है, ये स्विच का दूसरा सिरा है, ये स्विच के दूसरे सिरे से आपको दूसरे वाले इस वाले कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी में क्लोज में डालना है। देखो यहाँ पे फिर से मैं चेंज करना पड़ेगा मुझे स्लाइड, ये देखो स्विच का एक सिरा, ये एक सिरा में तो आ गया यहाँ पे, ये एक सिरा शॉर्ट हो गया, और दूसरे वाले सिरे से देखो ये जो है ये यहाँ पे इन्होंने पहले कॉइल में डाल दिया है, और कॉइल के थ्रू जो है फिर इन्होंने ये वाला जो है एनो जो है इसके थ्रू यहाँ पे डाला है, थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है। तो देखो स्टूडेंट ये मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जैक्टली उस टाइप का नहीं है जैसा वो डायग्राम है, लेकिन आप ये वाला डायग्राम को फॉलो करके आप करोगे तो आपसे हो जाएगा। ये वाला डायग्राम को आप फॉलो करके अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, आप कॉन्टेक्टर ला करके इसकी वायरिंग, आप सीरीज और पैरेलल कनेक्शन इसमें कुछ भी नहीं है, आप थोड़ा सा समझदारी से आप इसको वायरिंग को करो। यहाँ पे जहाँ पे ये देखो ये सीरीज वायरिंग है, ये जो लंबाई वायर चल रही है सीरीज की वायरिंग है, और ये पैरेलल की वायरिंग है। अब स्टूडेंट इसमें तभी प्रॉब्लम हो सकती है जब आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन नहीं जोड़ पाओ, इसके अलावा इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी मैंने कॉन्टेक्टर को बता दिया A1 A2 को कैसे पहचानना है, कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी को कैसे पहचानना है, और कॉन्टेक्टर की मेन को
कॉइल को कैसे पहचानना है, ये सारी चीजें मैंने बता दी है, तो मुझे नहीं लगता इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। थोड़ा सा आपको जो है ये डायग्राम इस तरीके से नेट पे जो है बताना मुश्किल पड़ रहा है। मैं आपको एक और इसका पावर का जो है थोड़ा सा एक डायग्राम बता देता हूँ, एक सेकेंड। ये देखो मैंने एक नया विंडो शेयर किया, ये पावर की वायरिंग है स्टूडेंट, वो वाली कंट्रोल की वायरिंग थी। पावर की वायरिंग सीधी सीधी है फॉरवर्ड और रिवर्स में, ये पावर की वायरिंग अलग से होगी, ये मोटर के इसके लिए मोटर की जरूरत पड़ेगी, बिना मोटर के पावर की वायरिंग नहीं हो पाएगी। ये पावर की वायरिंग है स्टूडेंट, सबसे पहले एमसीबी में तीनों फेज आ गए, उसके बाद ये थर्मल ओवरलोड रिले के अंदर तीनों में पीछे में गया है। ये थर्मल ओवरलोड रिले के कॉन्टेक्ट है, ये वाला कॉन्टेक्ट नहीं है, ये जो है ये इसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है थर्मल ओवरलोड रिले का, ये मेन कॉन्टेक्ट यहाँ पे आया है। ये देखो फिर ये तीन वायर यहाँ पे चला गया, ये तीन वायर यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे तुम देखो जब नीचे से निकालोगे तो एक वायर सीधा आएगा और दो वायर पलट जाएंगे, ये दो वायर पलट जाएंगे। ये इसकी किसकी वायरिंग है, ये पावर की वायरिंग है और वो कंट्रोल की वायरिंग है, दो वायरिंग करनी पड़ेगी आपको। ये पावर की वायरिंग के लिए आप मोटे वायर यूज करोगे, और कंट्रोल की जो वायरिंग मैंने आपको बताई है अभी, आपको जो कंट्रोल की वायरिंग बताई है उसके लिए आपको जो है पतले वायर यूज करेंगे। ये इसकी कंट्रोल की वायरिंग है स्टूडेंट, ये इसकी कंट्रोल की वायरिंग है, और ये सीरीज और पैरेलल आपको ध्यान में होना चाहिए तो आप ये वायरिंग कर लोगे। बाकी आप इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, सिर्फ सीरीज और पैरेलल का कनेक्शन का वो है, और आप कैसे करके करना है ये आपके पास डायग्राम है तो आप ये कर सकते हो सीरीज और पैरेलल की वायरिंग। ये सीरीज और पैरेलल की वायरिंग है, सिर्फ आपको सीरीज और पैरेलल की वायरिंग जैसे मैंने आपको दिखाया है डायग्राम में उसी तरीके से आपको करना है। थोड़ा सा आप इसको एक बार करेंगे, और इसलिए मैंने बोला है 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर लेके आइएगा ताकि आप गलत भी करेंगे तो आपको शॉर्ट सर्किट का डर नहीं रहेगा। ये सीरीज और पैरेलल की वायरिंग है स्विच के साथ, ये सीरीज में आपको लगाना है A1 A2 को। यहाँ पे अगर आप देखो तो क्लियर है, ये कंट्रोल की वायरिंग को अगर बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। यहाँ पे आप देखो ये स्विच है, स्विच के साथ सीरीज में लगाना है A1 A2 को। अब स्टूडेंट अगर आप मेरे से पूछोगे सीरीज में कैसे लगाना है तो ये मैं नहीं बता पाऊंगा सीरीज में कैसे लगाना है, ये आपको पता होना चाहिए सीरीज कनेक्शन कैसे करके करना है। ये देखो ये स्विच को, स्विच के दो सिरे निकलेंगे, ये दो सिरे को एक सिरे को A1 पे डालना है, और ये फिर जो है एसी कॉन्टेक्टर का दूसरा सिरा आपको ऑक्सिलरी में डालना है, इसके ऑक्सिलरी में, फिर यहाँ से दूसरा सिरा आपस में दोनों को शॉर्ट करना है। तो ये सिंपल सीरीज और पैरेलल की वायरिंग है, इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्टेक्टर का A1 A2 कहाँ होता है और कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉयल कहाँ पे होते हैं। ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर चुका हूँ, कॉन्टेक्टर का A1 A2 कहाँ है, कॉन्टेक्टर का ऑक्सिलरी कहाँ है। अगर इसमें डाउट है तो आप पूछो, ये कॉन्टेक्टर का A1 A2 ये है और कॉन्टेक्टर के मेन कॉन्टेक्ट ये पीछे है जहाँ काले रंग का आप देख रहे हो, ये कॉन्टेक्ट के मेन कॉन्टेक्ट है और ये कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी यहाँ पे है सामने। बाकी सीरीज पैरेलल की वायरिंग आपको करना होगा, थोड़ा सा आपको समझदारी से आपको सीरीज और पैरेलल की वायरिंग अगर ये डायग्राम आप सामने रख करके वायरिंग करेंगे तो ये वायरिंग हो जाएगी, इसमें कुछ भी नहीं है। आप स्टूडेंट आप मेरे से पूछ सकते हो, अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछो। अमित सर कुछ अगर आपको पूछना है तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट के बिहाफ पे। स्टूडेंट्स अपने डाउट पूछिए आप लोग। सर कॉइल A1 और NO को शॉर्ट क्यों किया इसमें? तुम देखो कॉइल A1 और NO को शॉर्ट क्यों किया है, ये देखो ये जो है ना ये इन्होंने थोड़ा सा वायरिंग को थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, कोई इनका सर्किट डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा इसलिए कॉइल A1 और NO को इन्होंने शॉर्ट बनाया है। तुम ऐसा मत बनाना, मैंने तुम्हें एक्चुअल वायरिंग दे दी है, तुम इसको नहीं फॉलो करना। तुम ये वाला तो मैंने सिर्फ तुम्हें NO NC समझाने के लिए किया है, तुम बिल्कुल ये फॉलो करना, तुम सीधा सीधा ये स्विच से वायर निकालना, दो वायर निकलेंगे स्विच से, एक वायर को तुम किस में डाल दोगे, ये जो कॉन्टेक्टर के जो क्लोज वाला पॉइंट एक सिरे पे डाल दोगे और दूसरा सिरा निकाल करके यहाँ पे डालोगे। तो ये आप इस तरीके से करना, आप इसको मत करना, नहीं तो इसमें तो आप गलती करोगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे आप जो है ये वायरिंग उतनी क्लियर नहीं है, आप इसमें इस टाइप से करने की जो कोशिश करोगे तो आप गलती करोगे। बाकी आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि A1 A2 कहाँ पे है और ऑक्सिलरी कहाँ पे, ऑक्सिलरी ओपन कहाँ पे है और ऑक्सिलरी क्लोज कहाँ पे, अगर आपको ये पता है ये आप नहीं फॉलो करना, इसको आप नहीं फॉलो करना। आप कौन से वाले डायग्राम को फॉलो करोगे, इस डायग्राम को फॉलो करना स्टूडेंट, इसको आप फॉलो करोगे तो आपसे कोई गलती के चांसेस नहीं, इसको आप फॉलो करोगे तो 100% कुछ ना कुछ गड़बड़ी करोगे, और नहीं तो सबसे अच्छा है आप ये ऑटोमेशन स्टूडियो में जाना, ये डायग्राम आप बनाना, आपका डायग्राम चालू है, इसके बाद आप इससे बनाना, इससे A1 A2 के साथ ये सीरीज में जोड़ना है और फिर A2 के साथ ये ऑक्सिलरी सीरीज में जाएगा और इन दोनों को आपस में शॉर्ट करना है, यहाँ से फिर ये कनेक्शन करके इसके साथ इसको पैरेलल में करना है, इसको आप फॉलो करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको फॉलो करना कोई प्रॉब्लम नहीं, पर वो जो डायरेक्ट डायग्राम है उसको मत फॉलो करना क्योंकि उसमें हो सकता है कि आप मिस्टेक कर बैठो। हाँ स्टूडेंट पूछो नेक्स्ट। सर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके मैं एक स्टूडेंट एक वीडियो शेयर करता हूँ थर्मल ओवरलोड रिले का, मैंने आपको बोला था कि थर्मल ओवरलोड रिले पे मैं एक आपको टॉपिक करूंगा, तो मैं आपको एक थर्मल ओवरलोड रिले का मैंने एक वीडियो बनाया, मैं उसको आपको शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको
नेक्स्ट कुछ जो भी चीजें हैं फॉरवर्ड में अपने को जो करना है वो मैं बताता हूँ, एक मिनट। ये वीडियो मैंने थर्मल ओवरलोड रिले के ऊपर बनाया है, तो देखो ये थर्मल ओवरलोड रिले है, ये इनपुट हो गया यहाँ से, मैंने आपको बता चुका हूँ इनपुट यहाँ से जाएगा और आउटपुट नीचे से निकलेगा, ये इसके इनपुट यहाँ से जाएगा और मोटर का कनेक्शन नीचे होगा, और मैंने आपको बता दिया ये कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ तक कभी भी ब्रेक नहीं होगा। इसमें जो है ये ऊपर जो है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स होते हैं इसके, एक ओपन होता है एक क्लोज होता है। जब आप यहाँ पे करंट की सेटिंग करनी है, जो बड़ा वाला आप डायल देख रहे हो यहाँ पे आपको करंट की सेटिंग करनी है, करंट की सेटिंग भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करके सेटिंग करनी है। यहाँ पे जो भी आपने सेटिंग कर दी है जब उससे ज्यादा करंट फ्लो होने लगेगा तो थोड़े समय के बाद इसका जो क्लोज है ये ओपन हो जाएगा और ओपन जो है क्लोज हो जाएगा। इसको आपको सीरीज में वायर करना है वो कंट्रोल में। ये देखो यहाँ पे ऊपर वाले दो नट दिख रहे हैं, इसमें से दो वायर निकलेंगे, यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला, ये यहाँ से कभी भी ब्रेक नहीं होगा स्टूडेंट, ये आप ध्यान रखना थर्मल ओवरलोड। कुछ कुछ लोग ये सोचते हैं कि यहाँ से वायर डाल देंगे और नीचे से वायर निकाल लेंगे और जब करंट की सेटिंग कर देंगे, और ये अगर हमने सर्किट में नहीं डाला इसको लूपिंग में कंट्रोल के सर्किट में अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया है तो सर्किट कभी ब्रेक नहीं होगा, आपका मोटर जल भी जाएगा तभी भी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कंटिन्यूटी कभी नहीं टूटेगा। जब भी ओवरलोड होगा तो ये जो ओपन और क्लोज कॉन्टेक्ट है ये आपस में पलट जाएंगे। ये आप देखो, ये देखो ये जो है ओपन हो जाता है, आप इसको डायरेक्टली कॉन्टेक्टर के साथ भी लगा सकते हो, आपको वायर नहीं है, वायर नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्टली, देखो मैं कैसे कॉन्टेक्टर के साथ इसको डायरेक्टली लगाता हूँ। ये इसका T1, T2, T3 है और L1, L2, L3 नीचे है। ये इसका रीसेट है, ऑटोमेटिक और मैनुअल दो मोड होता है तो वो उतना जरूरी नहीं है। बाकी ये देखो ये करंट की सेटिंग है, ये इसको आपको घुमा के करंट की सेटिंग करनी है। इसमें इसके डायल के ऊपर लिखा रहता है कितने एम्पियर करंट की, इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा है पर इसमें लिखा रहता है, आप लाओगे तो आपको क्लियर दिखेगा नया कॉन्टेक्टर होगा तो। ये यहाँ पे फिट हो जाता है और आप चाहो तो डायरेक्टली इसको ओवरलोड रिले आप डायरेक्टली कॉन्टेक्टर के साथ, ये इसके यहाँ से इनपुट है, ये ऊपर से इनपुट होगा नीचे से आउटपुट। अब देखो ये कॉन्टेक्टर है, ये डायरेक्टली आप इसको अटैच कर सकते हो, ये देखो मैं डायरेक्टली अटैच करके दिखा रहा हूँ। ये यहाँ से लाइन आएगी स्टूडेंट, यहाँ से आर बी और वाई तीन फेज आएंगे, ये कॉयल हो गई स्टूडेंट, फिर से आप देख लो कॉन्टेक्टर में, भैया कंफ्यूज मत होना, A1 है A2, ये देखो ये लिखा हुआ A1 A2 कॉयल है इसकी, ये 24 वोल्ट का कॉन्टेक्टर है तो यहाँ 24 वोल्ट देने पे ये कॉन्टेक्टर चालू हो जाएगा, मतलब ये कॉन्टेक्ट इसके साथ शॉर्ट हो जाएगा, ये कॉन्टेक्ट इसके साथ और ये, और इसमें एक ही ऑक्सिलरी है स्टूडेंट इसमें एक ही ऑक्सिलरी है, तो आपको अगर थर्मल ये वाला जो मैंने सर्किट बताया है वो इसके साथ नहीं बन सकता है स्टूडेंट, क्योंकि अभी आपने देखा जो मैंने आपको सर्किट बताया फॉरवर्ड और रिवर्स का, उसमें दो ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ऑक्सिलरी ओपन इस्तेमाल हो रहा है एक क्लोज हो रहा है, तो इसके साथ ये सर्किटरी नहीं बन पाएगा। तो आप ध्यान रखना जब आप कॉन्टेक्टर खरीद के लाओगे जो भी सर्किट ही है उसमें जितने ऑक्सिलरी इस्तेमाल हो रहे उस हिसाब से आप लेके आओगे, नहीं तो ऐसा होगा कि आप लाओगे और कनेक्शन हो नहीं पाएंगे, इसके साथ ये कनेक्शन नहीं पॉसिबल है क्योंकि देखो यहाँ सिर्फ एक ही ओपन है तो ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मैं इसको कर रहा हूँ, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे लगा देंगे तो आपको वायर की जरूरत नहीं है, और अगर आपको वायर के साथ यूज करना है तो ये ऊपर वाला केसिंग लगेगी, ये ऊपर वाली केसिंग में आपको लगाना है और फिर वायर लगेंगे इसके अंदर, ये इसके अंदर वायर जाएंगे और फिर यहाँ से वायर निकलेंगे और इसके अंदर जाएंगे, अगर वायर के थ्रू अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये जो ऊपर वाला कैप है इसकी जरूरत पड़ेगी अगर आपको वायर के साथ, और अगर आपको वायर के बिना करना है तो डायरेक्टली आप इसको ओपन करके आप इंसर्ट कर सकते। ये स्टूडेंट एक मोटर है, थ्री फेज की मोटर है, इसमें देखो ये ऊपर नेम प्लेट है, इसमें जो है लिखा हुआ है, देखो ये करंट में आपको हर मोटर के ऊपर ये नेम प्लेट मिलेगी स्टूडेंट, हर मोटर के ऊपर इंडक्शन मोटर के ऊपर ये नेम प्लेट मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कई सारे इन्फॉर्मेशन होता है, सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, सिर्फ मैं आपको जो भी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो करंट का इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। फुल लोड एम्पियर कहलाता है ये, कि ये मैक्सिमम कितने लोड पे जो है ये इसको ऑपरेट करा सकते हो, ये फुल लोड एम्पियर इसका देखो 0.33 एम्पियर इसमें लिखा हुआ है। ये एक थ्री फेज की मोटर है, छोटी सी मोटर है, थ्री फेज की, इतनी छोटी थ्री फेज की मोटर आपने नहीं देखी होगी, ये मेरे को भी कहीं पे मिली है, ये शॉप में नहीं अवेलेबल है, बहुत छोटी सी मोटर है पर इसमें थ्री फेज वाइंडिंग आप, थ्री फेज की वायरिंग आप कर सकते हो। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3.33 के अकॉर्डिंग जो है आप उसके सेटिंग तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये स्टूडेंट आप देख लो, ये मैं आपको बता, स्टार्ट में आप देखना ये जो है एक्स डैश वाई वाई डैश और जेड जेड डैश, ये मोटर की जो है टर्मिनल्स होते हैं एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश जेड जेड डैश, छह टर्मिनल और एक जो है का, एक फॉरवर्ड का, रिवर्स का और एक स्टॉप का, ये सेम वायरिंग है।
पर ऐसे वायरिंग नहीं करनी है, बहुत गंदी वायरिंग है आपको, वो जो मैंने बताया था कॉन्डुइट वो इस्तेमाल करना है। और ये यहाँ से लोड मोटर के लिए, देखो कैसे करके आप मोटर में जो है कैसे करके थर्मल ओवरलोड रिले को सेट करेंगे ये सीख लीजिए। ये आप क्लैंप मीटर यूज करेंगे, क्लैंप मीटर ये लोड यहाँ लगा रहेगा, मोटर को चालू कर देंगे और यहाँ से आप करंट मेजर करेंगे, मोटर को चालू करके करंट मेजर करेंगे, जितना करंट आएगा, मान लो आपका मशीन चालू है आप यहाँ से करंट निकाल लोगे, उससे थोड़ा सा वो आप उतना भी रख सकते हो या उससे थोड़ा सा ज्यादा आप इसको ला करके, जैसे मान लो 1 एम्पियर है तो 1.2 एम्पियर या 1.3 एम्पियर यहाँ पे सेटिंग को छोड़ना है। ये देखो ये कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे आपने जैसे जो भी लोड होगा यहाँ पे इंडिकेट कर, उसके बाद आपको यहाँ पे रोटेट करना है, उसके बाद आपको इसको करंट की सेटिंग को रोटेट करके इसको सेट कर देना है, बस इस तरीके से आपको